गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीट बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रही है। और इस चैप्टर में हम अभी तक नीट बायोलॉजी नीट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी आपको वो कैरेक्टर बताना है जो सिर्फ लिविंग थिंग्स का है। ठीक है, सजीवों का ऑप्शन है। पहला है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन विट्रो, सेकेंड इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंटल एंड देयर मेमोरी, एंड फोर्थ इंक्रीज इन मास एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो आप जब इन चारों ऑप्शन में से देखोगे ऑप्शन सी है, प्रिसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है, तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो भी एनवायरमेंट में जो भी चीज हो रही है उन सबकी अपने मेमोरी होती है लिविंग थिंग्स में, बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन सेकेंड, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अन एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, यानी आप जो लिविंग थिंग्स है उनको नॉन लिविंग थिंग्स से किस एबिलिटी के बेसिस पर आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। पहला इंट्रैक्शन विद एनवायरमेंटल एंड प्रोग्रेसिव ओवरडेशन, सेकेंड बी रिप्रोडक्शन, सी ग्रोथ एंड मूवमेंट, एंड डी रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। इसका जब आप देखोगे आंसर तो होगा डी ऑप्शन, यानी ये एबिलिटी ऐसी है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करती है, यानी जब आप किसी भी लिविंग थिंग को टच करोगे तो उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, यानी कॉन्सियसनेस की एबिलिटी होती है लिविंग थिंग्स में। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, यानी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट होता है, ए सेलुलर लेवल, बी ऑर्गेनिज्मिक लेवल, सी एटॉमिक लेवल, डी सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ऑप्शन का ऑप्शन डी सही होगा, यानी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से वो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है, यानी डीएनए आरएनए से स्टार्ट होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा थर्ड क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन फोर, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, यानी जो केरलोस लिनियस ने मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया था वो करेक्ट कौन सा है वो देखना है। ठीक है, पहला है मैंजिफेरा इंडिका, देखो बी ऑप्शन मैंजिफेरा इंडिका, फिर ब्रैकेट साइंटिस्ट का नेम लिखा होगा कार्ल लिन, थर्ड है मैंजिफेरा इंडिका लिन, और डी है मैंजिफेरा इंडिका। देखो देखो साइंटिफिक नेम बताना है, तो साइंटिफिक नेम में क्या होता है, पहले तो साइंटिफिक नेम होता है वो इटैलिक लिखा जाता है, दूसरा जो एक फर्स्ट अल्फा जो नेम होगा वो होगा जीनस का, सेकेंड होगा स्पीसीज का, और जीनस का नेम का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे और स्पीसीज भी सारे स्मॉल होंगे। देखो ये ऑप्शन तो वैसे कट गया क्योंकि स्पीसीज का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, और फिर जो साइंटिस्ट का नेम है ओनली शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे केरलोस लिनियस है तो ओनली एल आई एन एन लिन लिखेंगे, कार नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया अपना। फिर सी देखो मेंजीफेरा, ये भी सही है और लिन शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन फोर्थ का। इसके बाद में आता है क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, यानी आईसीबीएन रूल के अगेंस्ट कौन सा है। पहला हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, ये भी सही है। दूसरा एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट, करेक्ट है ये भी। सी ऑप्शन है अपना, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, ठीक है साइंटिफिक नेम लैटिन होने चाहिए और इटलाइज्ड भी होने चाहिए। और डी ऑप्शन देखते हैं फिफ्थ का, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, ये सही नहीं होगा क्योंकि जो जेनेरिक नेम होता है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा बाकी सारे स्मॉल होंगे, यहाँ पे इसमें दोनों स्मॉल दिया था, ऑप्शन डी इनकरेक्ट, यानी अपना ऑप्शन सही होगा डी। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं अपन, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटलाइज्ड, ठीक है लैटिन होने चाहिए और इटलाइज्ड भी होते हैं, करेक्ट है। सेकेंड नेम व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, ठीक है जब
हैंड से लिखोगे तो अंडरलाइन करना पड़ेंगे। थर्ड, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, सी ऑप्शन। और द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस नेम एंड सेकेंड नेम स्पीसीज, ठीक है, करेक्ट है। और ऑप्शन सी है, उसमें क्या दे रखा है इन्होंने, जो बायोलॉजिकल नेम होंगे वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन सेवन, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, सी इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड डी इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। सिंपल सा है, आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एट, बायोसिस्टमेटिक एम्स टू फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सेकेंड डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज, एंड डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बायोसिस्टमेटिक्स होती है, उसमें क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन तो होता ही है ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन वो किस पे बेस्ड होता है, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है और फाइलोजेनी क्या है, ये दोनों चीजें अपने को मिल रही है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अपना, क्वेश्चन एट द। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नाइन, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय, जो जेनेरा प्लांटेरम है ये बुक बताना है। ऑप्शन ए एंग्लर एंड पेंटन, बी बेंथम एंड हुकर, सी ऐसे और डी हचिंसन। तो जेनेरा प्लांटेरम बुक थी वो थी अपनी बेंथम एंड हुकर की, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन टेन, लिनियस इज क्रेडिटेड विथ, यानी लिनियस का क्रेडिट क्या है, ए बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, सी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डी डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो कैरोलस लिनियस का जो क्रेडिट है वो क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन है। अगला है, लिनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड मोनोनोमियल वर्नेकुलर बाइनोमियल एंड पॉलीनोमियल। जो लिनियस का जो सिस्टम था वो कौन सा था, अभी देखा बाइनोमियल था, 11th में ऑप्शन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 12th, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म है वो किसने दी थी, बेंथम एंड हुकर, बी लिनियस, सी हक्सले एंड डी एपी डी कैंडोले। तो क्वेश्चन 12th में जो न्यू सिस्टमेटिक्स जो टर्म थी वो दी थी जूलियन हक्सले, यानी जो न्यू सिस्टम इस टर्म किसने दी थी, जूलियन हक्सले ने दी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहे हैं अपने टेक्सोनोमिक कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन है 13, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करवाना है, ठीक है। और किसका है, जो हाउस फ्लाई है उसका क्लासिफिकेशन अपने को दिवन दे रखा है। पहला है फैमिली, फैमिली कौन सी है वो देखनी है। तो फैमिली है इसकी म्यूसिडी, यानी ए में थर्ड होगा अपना, ठीक है, देखो ए और बी दोनों में आ रहा है। फिर है ऑर्डर, ऑर्डर है वो होगा डायप्टेरा, क्लास है, क्लास होगी म्यूसिडी, क्लास होगी इंसेक्टा और फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा अपना, जो मस्का डोमेस्टिका है हाउस फ्लाई है उसका जो फैमिली है, फैमिली होगी म्यूसिडी, ठीक है। और उसके बाद में जो ऑर्डर होगा होगा डायप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन 14, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, यानी पोटेटो और टोमेटो के मैक्सिमम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ तक कॉमन होंगे, फैमिली लेवल पे, ऑर्डर, डिवीजन या जीनस के, तो मैक्सिमम होंगे अपने फैमिली लेवल पे, मैक्सिमम कॉमन होंगे फैमिली, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, ठीक है, साइंटिफिक नेम देखना है और उसका कॉमन नेम से मैचिंग है कि नहीं है, और उसके साथ में देखना है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अपने को देखना है, ठीक है।
पहला दे रखा है मस्का डोमेस्टिका, कॉमन हाउस लिजार्ड, नहीं जो हाउस लिजार्ड नहीं है ये हाउस फ्लाई है, ठीक है, तो ऑप्शन है इनकरेक्ट है। सेकंड है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये प्रोटोजोन पैथोजोन है, ठीक है, और ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, करेक्ट है अपना 15 में डी, 15 में भी हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं फेलिस टाइग्रिस इंडियन टाइगर है ना, और टाइगर को गिर फॉरेस्ट में प्रोटेक्ट कर रखा है, नहीं वहां पे लोयन है, एशियाटिक लोयन, ई कोलाई है ये, एंड अमीबा कोलाई नहीं, एसीरिया कोलाई का नेम है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। पहला है टाइगर, टाइगर की जो फैमिली है टाइग्रिस है ना, टाइग्रिस जो क्या है वो इसकी स्पीसीज है, ठीक है, ये करेक्टली मैच है 16 में है अपना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया, और बी कटलफिश मोलस्का, ये इसकी क्लास है, नहीं फाइनल ह्यूमंस जो प्राइमेट है ये इसकी फैमिली है, नहीं ऑर्डर है, और हाउस फ्लाई भी मस्का क्या है इसका ऑर्डर नहीं, ये जीनस है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एंड डी रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट। स्पीसीज से रिलेटेड अपने को देखना है, इसमें क्या आता है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन 17 में ए, ठीक है, नीट 2013 का 2003 का क्वेश्चन। नेक्स्ट नीट 2001 का क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, यानी जीनस से कम कॉमन कैरेक्टर्स किस में होंगे। पहला है स्पीसीज, क्लास, डिवीजन या फैमिली, अपने को देखना है स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज में कम होंगे। उसके बाद में होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, टेक्सोन, टेक्सोन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर टेक्सोनॉमी स्पीसीज एंड डी जीनस। 19 में ऑप्शन होगा बी, यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमी की यूनिट है टेक्सोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज है उसका सीक्वेंस देखना है अपने को, ठीक है, ये हायर टू लोअर दे रखा है, ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्लास, उसके बाद में फाइलम, नहीं फाइलम पहले आता है, डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, नहीं ऑर्डर पहले आता है फैमिली से, है ना, फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, ये करेक्ट है अपना, देखो देख लेते हैं फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस और स्पीज, यहाँ पे ट्राइब की प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा अपना, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन, सबसे पहले डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फैमिली के बाद में ट्राइब आता है, उसके बाद में जीनस, लास्ट में अपनी स्पीसीज, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 20 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, द टर्म ऑफ फाइलम वाज गिवन बाय, फाइलम टर्म है ए पियर, बी हेकल, सी थियोफ्रेस्टस एंड डी लिनियस। तो 21 में आपको याद रखना है जो फाइलम टर्म है वो दी थी फाइलम हेकल, ठीक है, ऑप्शन बी फाइलम हेकल याद रखना है। फिर यह क्वेश्चन 22, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इज सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, पास प्लांट और एनिमल का कोई भी ग्रुप है ना उनमें कुछ सिमिलर ट्रेड्स है इसी रैंक पे, वो क्या होगा, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और डी टेक्सोन। 22 में क्या है देखो कि डी यानी किसी भी टेक्सोन किसी भी लेवल पे सिमिलर ट्रेड्स यानी कैरेक्टर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी 22 का डी। और टेक्सोन क्या होता है, जनरली टेक्सोन क्या, जैसे किसी का कोई नेम है अपन बोल रहे डॉग है, कोट कैट है ना, कौवे, ये सब क्या है टेक्सोन है, जीनस, नेम है, स्पीसीज है, ऑर्डर, फाइलम, ये सब टेक्सोन के अंदर इंक्लूड है, तो अपना ऑप्शन टेक्सोन डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23, और टेक्सोन इज, टेक्सोन क्या है वो दिखाना है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, बी अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, सी और टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डी और टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग उसी को हम टेक्सोन कहते हैं, ठीक है, ये दो बार नीट में आया हुआ है, नीट 1992 और नीट 1990, दो बार क्वेश्चन आया हुआ नीट का।
बाद में है बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। देखो जो स्मॉलेस्ट टैक्सोन है या जो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ए स्पीसीज, बी किंगडम, सी फैमिली और डी वैरायटी। सबको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट तो क्या है, अपनी स्पीसीज है, और लार्जेस्ट है किंगडम। अगला क्वेश्चन है अपना 25th, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय। स्टैटिक कॉन्सेप्ट था स्पीसीज का, वो किसने फॉरवर्ड किया, डी के डोले, डी हेलिनियस, सी है थियोफ्रेस्टस एंड डी है डार्विन। तो ये जो कॉन्सेप्ट था फॉरवर्ड किया था लिनियस ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 26। अपने को मैच करवाना है 26 में कॉलम ए को कॉलम बी से। हर्बेरियम की म्यूजियम और कैटलॉग इन सबसे रिलेटेड चीजें दे रखी है। पहला है हर्बेरियम, हर्बेरियम में क्या होगा, हर्बेरियम में देखो ऑप्शन अपना होगा ऑप्शन थर्ड हर्बेरियम में। ठीक है, पहले का थर्ड इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पीसीज स्पेसिमेंस माउंट ऑन शिट आर कीप्ड। ठीक है, हर्बेरियम होगा। सेकेंड है की, की क्या होगा अपने पास, पहले में हो गया अपने थर्ड। ठीक है, और की में क्या होगा, देखो ऑप्शन आप देखोगे तो या तो बी हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। ठीक है, तो 26 में या तो बी हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। तो देखो जो की है अपनी, की किस रिलेटेड होती है, अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। तो की में क्या होता है, किसी भी टैक्सा को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो उससे रिलेटेड उसमें कैरेक्टर्स होंगे। तो बी में हो गया अपना फोर्थ, सी में यानी ए में थर्ड, ए में थर्ड, बी में फोर्थ, ऑप्शन डी सही होगा। आगे वाला भी देखो देख ही लो, जो सी है सी में क्या होगा, म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम है इट इज अ प्लेस वेयर हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एनिमल्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, और कैटलॉग में क्या होगा, इसमें कैटलॉग में ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, प्लांट का कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है। तो ये था क्वेश्चन अपना 26। नेक्स्ट है 27, द लेवल ऑफ एन हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन, ये भी होता है उस पर, नेम ऑफ कलेक्टर ये भी कैरी करता है इन्फॉर्मेशन, लोकल नेम्स भी होता है, और डी हाइट ऑफ प्लांट। तो आप ध्यान रखना हर्बेरियम शीट पे प्लांट की हाइट नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ए, अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। देखो इसने पूछा था नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा, यही है, म्यूजियम में सिर्फ फोटोग्राफ नहीं होते हैं ना, प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेंस भी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ई इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस स्पीसीज। ठीक है, ये भी सही है अपने पास, हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज। ठीक है, वहाँ ये भी सही है, और डी ऑप्शन बोटनिकल गार्डन से कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस करेक्ट है। तो 28 में ऑप्शन एक। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है अपने फर्स्ट चैप्टर का, ऑन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटनिकल गार्डन इज दैट दे प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। सेकेंड ऑप्शन है वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर, सी दे ऑलो एक्सीड टू कंजर्वेशन ऑफ जर्मोप्लास एंड डी दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड। तो सी ऑप्शन होगा अपना, बोटनिकल गार्डन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक्सीड टू कंजर्वेशन करते हैं कोई भी प्लांट है ना, और उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको डेंजर है। तो जो इन डेंजर्ड स्पीसीज होती है जिनका नंबर बहुत लेस है उसको बोटनिकल गार्डन में लाके कंजर्व करते हैं, तो ये एक सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने नीट का फर्स्ट पेपर, जो 11th बायोलॉजी का फर्स्ट पेपर है द लिविंग वर्ल्ड, उसके अभी तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन से नीट के सोल्व किए, और जनरली एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, नहीं भी आता और कभी एक क्वेश्चन आता है, एक से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक यू।